मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्ट्रेट रॉड, थिन रॉड, थिन रॉड का मतलब इसकी थिकनेस नहीं है, सिर्फ लंबाई लंबाई है, तो मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दी लेंथ ऑफ द रॉड। रॉड कैसे घूम रही है, रॉड गोल गोल घूम रही है और एक्सिस ये है, सेंटर में से पास कर रहे हैं रॉड के, तो अगर रॉड के सेंटर में से एक्सिस पास कर रहे हैं तो रॉड का मोमेंट इनर्शिया आपको निकालना है। अब एलिमेंट्री पोर्शन किसका, किसकी बनी हुई है रॉड, रॉड बनी हुई है छोटे छोटे लेंथ से। अब रॉड के अंदर रिंग तो निकलेगी नहीं एलिमेंट्री पोर्शन, तो रॉड में क्या निकलेगा, छोटी सी लेंथ है, और ये लेंथ कितनी है डीएम, डीएक्स, लेंथ डीएक्स है, जिसका स्मॉल मास कितना है डीएम, एंड दिस इज अ पॉइंट मास। तो इसकी दूरी कितनी है यहाँ से एक्स, मुझे एक बात बताओ, ये पॉइंट मास है, इस पॉइंट मास का स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकलेगा, डीएम इंटू कितना एक्स स्क्वायर, तो क्या निकलेगा डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, क्या ये पॉइंट क्लियर है। और टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन, तो रूल नंबर वन, स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। अब हमें काम करते हैं, इसका मास निकाल लेते हैं डीएम, इसकी लेंथ कितनी है स्मॉल डीएक्स, तो कैसे निकलेगा, अगर रॉड की लेंथ एल है तो मास क्या है एम, अगर वन है तो एम बाई एल, और अगर डीएक्स लेंथ है तो एम बाई एल इंटू डीएक्स। ये स्टेप क्लियर है यहां तक। इस मास को उठा के आप यहां पे पुट कर देंगे और इसे इंटीग्रेट करें। अब इंटीग्रेशन की लिमिट ध्यान से देख लेना, इंटीग्रेशन की लिमिट्स में एक्सिस कहां से पास कर रहे हैं, यहां से, तो इसको ना ओरिजिन मान लें प्लीज। तो जब पहला एलिमेंट यहां पे होगा तो एक्स की लिमिट क्या होगी जीरो, और जब आखिरी यहां पे होगा तो लिमिट क्या होगी एल बाय टू। तो ओरिजिन से राइट की तरफ जाएंगे तो लिमिट क्या लगेगी जीरो से लेके एल बाय टू। तो लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर मैं लिमिट जीरो से एल बाय टू लगाता हूं तो आधी रॉड का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है, आधी फिर बच जाती है। तो मैं क्या करता हूं, मैं लिमिट लगाता हूं जीरो से एल बाय टू और उसको किससे मल्टीप्लाई करता हूं टू से, क्योंकि राइट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को टू से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी रॉड का आ जाएगा, राइट। तो यहां से एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय थ्री, जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे सॉल्व करके, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एम एल स्क्वायर बाय 12। तो हमने क्या किया, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला एम आर स्क्वायर, डिस्क का फॉर्मूला हाफ एम आर स्क्वायर, रॉड के सेंट्रल एक्सिस के अबाउट फॉर्मूला एम एल स्क्वायर बाय 12। ये वाला पोर्शन नहीं करना आपको, ठीक है, बाकी जो शेप्स हैं उसकी डेरिवेशन नहीं करनी, फॉर्मूला मार्क करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इज 2/5 एम आर स्क्वायर, याद रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, अगर सिलेंडर कैसे पास, कैसे घूम रहे ऐसे, तो एक्सिस सेंटर से पास कर रहे तो कितना हाफ एम आर स्क्वायर। नेक्स्ट है, अगर ये सिलेंडर सॉलिड है और ऐसे घूम रहा है, ये देखो ऐसे घूम रहा है, देखो, तो एक्सिस कहां से पास करेगा, यहां से, अगर ऐसे घूम रहे तो ये एक्सिस है, ऐसे घूम रहे तो ये एक्सिस है, तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम इंटू आर स्क्वायर बाय टू प्लस एल स्क्वायर बाय 12। ये फॉर्मूले आपने क्या करने हैं, या